सुप्रभात बच्चों, कक्षा दो के हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सबको गाय तथा मेरी माँ पर निबंध बताऊंगी। तो सबसे पहले यह जानेंगे निबंध क्या है। किसी विषय पर अपना विचार रखना या लिखना निबंध कहलाता है। किसी विषय पर निबंध लिखने से पहले उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। निबंध छोटे वाक्य में लिखना, क्रम से लिखना, वर्तनी पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों, मैं आप लोग को गाय पर निबंध बताऊंगी, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यह किसका चित्र है? गाय का। बच्चों, आप लोग अपने घर के आसपास गाय तो देखे होंगे। गाय कैसा जानवर है? गाय पालतू जानवर है। गाय को हम लोग पालतू क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय को हम लोग घर में पालते हैं, इसलिए गाय को पालतू जानवर कहते हैं। गाय क्या खाती है? गाय घास भूसा खाती है। गाय हमें क्या देती है? गाय हमें दूध देती है। बच्चों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मैं गाय पर आपको निबंध बताती हूँ। गाय पर पांच वाक्य लिखें। गाय एक पालतू जानवर है। इसके चार पैर, दो आंख, दो कान, दो सिंग और एक लंबी पूंछ होती है। यह सफेद, काले, भूरे और चितकबरे रंग की होती है। यह घास, भूसा, चोकर आदि खाती है। यह हमें दूध देती है, जिससे घी, दही, मक्खन, पनीर एवं मिठाइयाँ बनाई जाती है। बच्चों, दूसरा निबंध है मेरी माँ। यह किसका चित्र है? माँ का। माँ शब्द सुनते ही आप लोग बहुत खुश होते हैं और अपने अपने माँ के बारे में सोचते हैं। माँ आप सबको बहुत प्यार करते हैं, आप लोग भी माँ को बहुत प्यार करते हैं। माँ घर का सारा काम करती है, माँ नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, घर का साफ सफाई करती है। माँ आप लोग को अच्छे और बुरे में फर्क करना बताती है। यहाँ बोर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिए, मेरी माँ पर पांच वाक्य लिखा गया है। मैं पढ़कर बताती हूँ, ध्यान दीजिए। मेरी माँ अच्छी है तथा मुझे प्यार करती है। वह सुबह उठकर घर की सफाई करती है तथा नहाकर पूजा करती है। माँ रोज मेरे लिए नाश्ता और खाना बनाती है। वह मुझे रोज पढ़ाती है। वह मुझे अच्छे और बुरे का फर्क बताती है। बच्चों, विद्यालय के वेबसाइट से निबंध देखकर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।